नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डाल रहे हैं आज की विशेष खबर पर। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकवाद, इस साल शहीद हुए 60 जवान। पाकिस्तान द्वारा जारी छद्म युद्ध में पिछले साल के मुकाबले भारतीय सेना ने इस साल अब तक लगभग दोगुने जवानों को खो दिया है, जिसका मुख्य कारण संघर्ष विराम का उल्लंघन, घुसपैठ और पाकिस्तान आर्मी एक्शन टीम के लाइन ऑफ कंट्रोल पर किए जा रहे हमले हैं। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन में भी काफी जवानों को जान गंवानी पड़ी। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 15 दिसंबर तक जम्मू और कश्मीर में 60 जवान शहीद हुए थे। वहीं 2015 में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 33 थी और 2014 में यह संख्या 32 थी। 60 में से 23 जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाले सीज फायर और ऑपरेशंस में अपनी जान गंवाई, जबकि 2015 में ऐसी कार्रवाई में सिर्फ 4 और 2014 में सिर्फ 5 जवान शहीद हुए थे। आंतरिक इलाकों में हुई मुठभेड़ में अब तक 37 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2015 में ऐसे हमलों में 29 जवान और 2014 में 27 जवानों ने कुर्बानी दी थी। आर्मी अफसर ने इस बाबत में कहा है कि आंतरिक इलाकों में शहीद होने वालों की संख्या दो बड़े हमलों के कारण ज्यादा है। हालांकि इस वर्ष 100 से ज्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में ज्यादातर घुसपैठ के दौरान मारे गए। गौरतलब है कि उड़ी और नगरोटा हमले में आतंकियों ने इस वर्ष अंजाम दिया था। उड़ी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर लक्षित हमले को अंजाम दिया था और वहां कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। लक्षित हमले के बाद से ही सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई है। संघर्ष विराम में दोनों ही देशों की तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें तोपें भी शामिल है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत 15 साल बाद बना जूनियर विश्व हॉकी चैंपियन। चीन का दावा, ड्रोन से हमारी जासूसी कर रहा था अमेरिका। थल सेना प्रमुख की नियुक्ति पर विवाद, सरकार ने फैसले को बताया उचित। बर्ड फ्लू के कारण जापान में 210,000 मुर्गियों को मारने के आदेश। कोहरे और ठंड से जनजीवन बेहाल, 36 ट्रेन पहुंची लेट, 17 के समय में बदलाव।